अनिल विज मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला छावनी के सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। आते ही सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि अगर यहां पर रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो यहां से कहीं और चले जाएं। जिले के सभी मुख्यमंत्री पहले बना दिए गए थे और संभावना है कि रात तक विभागों का भी आवंटन हो जाएगा और कल से सभी मंत्री मंत्रालय में बैठकर अपना काम करना आरंभ कर। जहाँ तक अंबाला जिले की बात है, या मैं यूँ कहूँ कि अंबाला छावनी की बात है, तो यहाँ पर पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। 100 करोड़ रुपए के काम अंबाला छावनी में संकृत हुए या पूरे हो गए या उनका काम चल रहा है, मुमकिन हो पाया है। हमको योजनाएं लाते हैं, पैसा लाते हैं, एग्जीक्यूशन आपके पास, और हमारे जिले में अधिकारी ठीक काम करने वाले हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। अधूरे पड़े हैं, रुके हुए हैं, उनके बारे में सभी अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग मैं करना चाहूँगा, ताकि इन सारे कामों में तेजी लाई जा सके। मेरा तो नारा ही यही है, काम किया है काम करेंगे, काम करना है, और हमने किया है, हर हालात में किया है। जैसे भी हालात हमको मिले हमने उनमें काम किया है, हम विपक्ष में रहे तो भी हमने काम किया है, हम MLA नहीं रहे तो भी हमने काम किया है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।